क्यों समझे ये बैठे थे के हम तुम्हारे हैं। मुड़ के देखो जरा हम तो अब भी तुम्हारे हैं। जिस दिन मैं लंदन से आया था वापस, बहुत खूबसूरत फूल लेकर आया था निया के। मुझे भी साथ ले जाते हैं। खुद से ज्यादा तुम्हारा और तुम्हारी इज्जत का ख्याल किया है मैंने। यहां तक कि तुम्हारे लिए और तुम्हारी इज्जत के लिए मैंने अपने अरमान, अपनी ख्वाहिशात, अपनी जिंदगी तक को कुर्बान कर दिया, यहां तक अपनी मोहब्बत को भी। मुड़ के देखो जरा हम तो अब भी तुम्हारे लेकर आती हूँ। थैंक यू। इतनी सुबह सुबह किसके मैसेज आ रहे हैं? कोई नहीं, दोस्त है मेरी। क्या कह रही है? कुछ खास नहीं, लंच का प्लान कर रही है। क्या हुआ अम्मी, खैरियत तो है ना? आपने इस तरह फौरन आने को कहा। तुम्हें खुशखबरी सुनानी थी, मैंने अनम की मंगनी तय कर दी है। क्या, ये कब हुआ? बस बेटा, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला। तुम्हें अपनी वो सबांटी तो याद है ना, उनका बेटा अर्शद कुछ ही हफ्ते पहले अपनी पढ़ाई कम्प्लीट करके अमेरिका से आया है। अनम तो उन्हें हमेशा से बहुत पसंद है, बस वो फौरन उसे लेके यहाँ आ गई। अनम खुश तो है ना? बेटा, उससे पूछकर ही बात आगे बढ़ाई है। बहुत अच्छे लोग हैं, सब कुछ जानते हुए भी किसी बात का जिक्र नहीं किया उन्होंने। अनम आ गई। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें, खुश हो ना तुम। मेरी तो दुआ है अनम की किस्मत भी मेरी जोया की तरह हो। मेरी दोनों बेटियां अपने घरों में खुश रहें। अच्छा, तुम दोनों बहनें बैठ के बातें करो, मैं नाश्ता बना के बुलाती हूँ। मेरी दुआ है कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारी अपनी हो, मेरे जैसी बिल्कुल भी ना हो। क्या हुआ है जोया का? रायान भाई के साथ सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। ऐसे ही आज पापा की याद आ गई है। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। जोया, अनम, आ जाओ बेटा। चले। अपना ही होगा मुझसे। कामिल ने मुझसे सवाल करना शुरू कर दिया।
फिर एक झूठ छुपाने के लिए मुझे 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। बयान इस तरह ऐसे कब तक चलता रहेगा? Honestly, बर्दाश्त मुझसे भी नहीं होता। मुझे लगता है कि सही मौका मिलते ही ना इनको सब कुछ बता देना चाहिए। सही मौका? किसके लिए सही मौका कौन सा हो सकता है? हिम्मत। जिस दिन भी हिम्मत साथ दे वही सही मौका है। हिम्मत ही तो जवाब दे गई। पर हमें एक दूसरे की हिम्मत बनना होगा। ये थोड़ी बेटर लग रही है मुझे। हाँ तुम देखो, खुद सेलेक्ट करो। अनम, चेक दिस आउट फॉर द लाउंज। हाय यासिर, कैसे हो तुम? यार तुम तो शादी के बाद बिल्कुल ही गायब हो गए हो। अच्छा, ये जाके अपने शोहर से पूछो। क्या मतलब? मतलब क्या, इतने फोन किए मैंने रेहान को, हर जगह पता किया, उसके घर भी गया, फिर भी बिल्कुल कट ऑफ हो गया वो मुझसे। यहाँ तक कि तुम्हारी शादी का पता भी मुझे किसी और से चला। हाँ यार, शादी तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में हुई थी ना कि किसी को कुछ बताने का टाइम ही नहीं मिला। मैं सब जानता हूँ जोया, रेहान मेरा बेस्ट फ्रेंड था, ऐसे भी क्या बात हो गई वो कि एकदम से वो गायब हो गया। मैंने भी पूछा था रेहान से तुम्हारे बारे में, लेकिन वो हर बार बात ही टाल देता है। ऐसा हो क्या गया उसे? ये तो पता नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा बदल गया है, हमारा पुराने वाला बेस्ट फ्रेंड नहीं रहा वो। हाँ तुम ठीक कह रही हो। खैर तुम्हें मिलके अच्छा लगा, पुराने दिन याद आ गए। तुम्हारी बीवी कैसी है? तुमने तो अब तक उससे भी नहीं मिल पाया। मौका ही नहीं मिला यार, अभी वो मेरे साथ ही है। अच्छा, बीवी की शॉपिंग करने आया हूँ, और शादी के बाद यही सब चीजें रह जाती हैं हस्बैंड की लाइफ में। ओ, वो आ रही है। ये है सारा, मेरी बीवी। हेलो। हाय। ये जोया है, रेहान है ना उसकी बीवी। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। चले यहाँ से, देर हो रही है। ओके बाय। तुम उस लड़की को जानते थे क्या? किस लड़की को? तरीन, क्या नाम था उसका? सारा, आई थिंक। नहीं, मैं नहीं जानता। अच्छा, मुझे लगा तुम्हें ऐसे देख रही है जैसे तुम्हें जानती हो। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता। मेरा वहम होगा। आन्या,
आनिया, अशर भाई, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आनिया कहाँ है? सर बाजी तो घर पे नहीं है। कहाँ गई? सर पता नहीं साहब, रोज इसी टाइम पे चली जाती हैं और शाम में आती हैं बस। अच्छा सर, आप लंच करेंगे तो खाना लगा दूँ आपके लिए? नहीं नहीं, मैं वापस ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है सर। हाय। आज यासिर मिला था बाजार में। अच्छा, तो फिर क्या बात हुई? कह रहा था कि तुमने उससे मिलना छोड़ दिया। उसने बहुत कोशिश भी की कांटेक्ट करने की, लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। ऐसा क्या हुआ था? ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बस शादी के बाद वक्त नहीं मिला, वो भी बिजी हो गया, इसलिए बात नहीं हुई। और भी तो बहुत कुछ हुआ था उसकी शादी पर। जैसे तुम्हारी और आनिया की मुलाकात। सो आज यासिर से मिलकर काफी यादें ताजा हो गईं। मुझे रियलाइज हुआ, मैंने तो कभी उसकी शादी की पिक्चर्स भी नहीं देखी। तुम्हारे पास होंगी ना? क्या होंगी? डेफिनेटली होंगी, पर पता नहीं कहाँ। लैपटॉप पर नहीं है? नहीं, वो कॉपी नहीं की थी। एक्चुअली मुझे उसकी बीवी को देखना था, काफी जिक्र कर रहा था उसका। शादी को बहुत अरसा हो गया, तस्वीरें कहाँ हैं मुझे याद नहीं। तुम्हें मिल जाएंगी तो देख लेना, मैं फ्रेश हो गया। अच्छा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारी रेसिपी का, मैं जरूर ट्राई करूंगी। खुदा हाफिज। अच्छा चलो बाद में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? शुक्र अल्लाह का, सब खैरियत। आप सुनाइए, सब ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। आनिया नहीं आई तुम्हारे साथ? आनिया एक्चुअली घर पे नहीं थी, तो मैंने तो यही सोचा कि आपके यहाँ आई होगी। नहीं, यहाँ तो नहीं आई। तुमने उसे फोन नहीं किया? नहीं, वैसे भी आपसे मिले हुए बहुत दिन हो गए थे, तो मैंने सोचा कि आपसे मिलने के लिए खुद तो आऊं कम से कम। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अजीब बात है, वैसे रोजाना यहाँ आपके यहाँ आती है, आज मैं आया हूं तो देखे गायब है। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, रोज तो नहीं आती वो यहाँ। हाँ हफ्ते में एक चक्कर जरूर लगा लेती है। अच्छा कामिल बेटा, क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? जी जी सब खैरियत है, एवरीथिंग इज फाइन। बड़ा दिल कर रहा है, एक चाय का कप प्लीज पिला दीजिए। मैं अभी लेकर आती हूँ, तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। जी जी प्लीज।
ये मौसम तुम्हारे हैं, इनमें परोए जो सपने तुम्हारे हैं। कब कैसे बने अजनबी ऐसे, जाने क्यों कब कैसे हुई बेरुखी ऐसे, क्यों जमीन फिसले जाए है पैरों तले। हम तो समझे ये बैठे थे के हम तुम्हारे तुम्हारे हैं।
क्या बात है, तुम ठीक हो? सोया मुड़ के देखो जरा, हम तो अब भी तुम्हारे हैं। ऐसे क्या देख रहे हो? बहुत खूबसूरत लग रहा है तुम। तुम्हारे पास तो बहुत कीमती कीमती जेवरात हैं। ये मामूली सी चीज तो अच्छी नहीं लग रही होगी तुम्हें। ये तो मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती है। रेडी? इनके अच्छा लगे। यार एक सेकंड रुको, मैं बस अभी आ रही हूँ। ओके। हाय रायन भाई। क्या तुम? हाँ आप तो मुझे देख के ऐसे डर गए जैसे कोई भूत देख लिया। नहीं नहीं वो मैं तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ना, इसलिए। ये मेरी कुली इस जुलिया की बहन, तुम यहाँ अपनी फ्रेंड्स के साथ आई? हाँ। चलो अच्छा एंजॉय करो, हम तो बस ऑफिस जा रहे हैं। ओके बाय। गुड टू सी यू। बोलो कौन थे? यार वो मेरे ब्रदर इन लॉ थे और साथ उनके कोलीग थे। ओ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैंने उन्हें कहीं देखा है। अच्छा चलो छोड़ो, अभी कुछ खा लेते, बहुत भूख लग रही है। चलो। ओके। जोया। ओ हाय कामिल, आप यहाँ कैसे? हाँ एक मीटिंग थी छोटी सी, बस वो कंप्लीट हुई है तो अब वापस। अच्छा ड्राइवर आ गया आपका? नहीं एक्चुअली मैं टैक्सी वाले को कॉल कर रही थी, वो फोन नहीं उठा रहा था, मैं टैक्सी का ही वेट कर रही थी। व्हाई टैक्सी? मैं हूँ ना, चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं आप तकलीफ मत करें, मैं खुद चली जाऊंगी। मुझे ये तकलीफ करने दीजिए, ये आप मुझे पकड़ाइए। Can you hold up your phone? Are you sure? Yes, I'm 100% sure. Chaliye. Thank you so much. Let's go. वैसे thank you so much once again. जी नहीं, आपको इतना formal होने की कोई ज़रूरत नहीं है. It's not a big deal. नहीं, actually मुझे idea है कि आप लोग office में कितना busy होते हैं. अब office के काम तो चलते रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इंसान दूसरों के लिए time ना निकाले. रायान तो बस हर वक्त या तो फोन या लैपटॉप या फिर कुछ और, बस ऑफिस से कनेक्टेड रहता है हर वक्त। अच्छा अभी तक तो उसका वर्किंग लोड काफी कम हो गया, क्योंकि अब सारा वर्किंग लोड मेरे पर है। मैं तो बस यही चाह रहा हूँ कि जल्दी से ये प्रोजेक्ट रैप अप हो और मैं वापस लाहौर पहुंचूं। आप अपनी फैमिली को काफी मिस करते होंगे ना? हाँ डेफिनेटली, सोचा था आनी है मेरी फैमिली है, दोनों ही काफी होंगे एक दूसरे के लिए। लेकिन लेकिन खैर अब माशाल्लाह हर कोई आप दोनों की तरह लकी थोड़ी होता है जिसकी अपनी ही बेस्ट फ्रेंड से शादी हो। हमने शादी कर ली है, अभी दोस्ती होना बाकी है। कामिल का फोन।
हाय जोया, तुम? सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब किया, वो एक्चुअली मुझे कामिल रास्ते में मिल गए थे, तो उन्होंने मुझे घर ड्रॉप किया, उनका फोन गलती से मेरे पास रह गया था इसलिए। अच्छा, थैंक यू। वैसे तो मैं कॉल कर देती लेकिन तुम्हारा नंबर था नहीं मेरे पास और रान फोन नहीं उठा रहा था, फिर मुझे लगा कि उनकी इंपॉर्टेंट कॉल्स ना मिस हो जाए इसीलिए आ गई। थैंक यू सो मच, लेकिन तुम प्लीज अंदर तो आओ। नहीं, फिर कभी आराम से आऊंगी। ओके, खुदा हाफिज़। ये देखो कैसा लगेगा उसके गले में, बहुत प्यारा। देखा, मैंने कहा था ना परफेक्ट चीज सेलेक्ट करेंगे उसके लिए। सोया, क्या बात है, तुम ठीक हो? सोया, क्या हुआ है? कुछ नहीं। जोया, छोड़ो, बता यहाँ जो मेरे साथ हो रहा है, जो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, और ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है। ऐसा क्या हो रहा है? I think that I'm in love. What? क्या? किसके साथ? लड़की से, of course. Actually, तारा की best friend. और मुझे ऐसा लगता है कि वो भी equally interested है। तुम उस लड़की को जानते थे क्या? नहीं, मैं नहीं जानता। वो आ रही है। ये है सारा, मेरी बीवी। हेलो, हाय। और ये है जोया, रियान है ना उसकी बीवी। अच्छा सुनो, उस लड़की से कुछ बात आगे बढ़ी? हाँ ना, कुछ कुछ आगे बढ़ गई है, कुछ आगे बढ़ जाएगी। यार तुम ही ना, एक पिक्चर तक नहीं भेजी है तुमने मुझे अभी तक। अरे मैं क्या करूँ यार, यहाँ का इंटरनेट ही बंद है, पता नहीं कौन लोग हैं। पर तुम फिक्र नहीं करो, मैं वापस आऊंगा ना तो तुम्हें डायरेक्ट मिलवा ही दूंगा। आज यासिर से मिलकर काफी यादें ताजा हो गई। मुझे रियलाइज हुआ मैंने तो कभी उसकी शादी की पिक्चर्स भी नहीं देखी। तुम्हारे पास होंगी ना? क्या होंगी? डेफिनेटली होंगी, पर पता नहीं कहाँ। तुम्हारे पास आई थी? हाँ, सोया आई थी। कामिल का फोन किसी तरह उसके पास रह गया था।
कहीं मिले होंगे वो लोग, बस वो ही देने आई थी। यहाँ जब मैंने जोया को देखा ना, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मुझे ऐसा लगा कि शायद आशु मुझसे सारे सवाल करेगी, सफाई मांगेगी मुझसे। ये दुनिया बहुत छोटी है, कौन सी कड़ी कहाँ मिल जाए कुछ कुछ पता ही नहीं चलता। अगर मैं और इस राज को नहीं छुपा सकती। तुम सही कह रही हो, मुझे भी 24 घंटे इसी बात ने परेशान किया होता है। रयान, मैंने फैसला कर लिया, मैं कामिल को आज सब कुछ बता दूंगी साफ साफ। आज? हाँ, क्योंकि मैं और नहीं छुपा सकती इस बात को। तुम ठीक कहती हो, ये दुनिया दिन ब दिन हमारे लिए तंग होती जा रही है। मैं भी आज ही जोया को सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ। अरे हबीब, हबीब साहब, आपने मुझे जो ईमेल की है उसमें इनकम्प्लीट अटैचमेंट है। प्रोजेक्ट फाइल जो है वो कहां पे है, वो किसके पास है? रायान के? नहीं, उसने मुझे नहीं दी। अच्छा, चलिए ठीक है, मैं करता हूं कुछ। नहीं नहीं ठीक है, ओके 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 ओके। आमिर, रायान ने आपको फाइनल प्रोजेक्ट की फाइल भेजी थी? सर, वो कह रहे थे कि आपको देखी जाएंगी। मुझे भी नहीं भेजी उसने। सर, आप कॉल कर लें। कर रहा हूँ लेकिन बिजी है यार, बॉस वहाँ अलग मेरा वेट करें फाइल का। सर, आप उनके ऑफिस में चेक कर लें, उनकी हार्ड ड्राइव में होगा। वो सारे प्रोजेक्ट्स का डेटा अपने हार्ड ड्राइव में रखते हैं। की इजाज़त के बगैर कैसे मैं उसकी फाइल दे? सर, कोई मसला नहीं होगा, उन्हें भी बताइए अर्जेंट काम है। वो इसलिए अपना सारा डेटा हार्ड ड्राइव में बैकअप करके रखते हैं, अगर किसी को ज़रूरत पड़ जाए तो फाइल्स निकाल लें। अच्छा, चलो, बॉस की फिर कॉल आ रही है यार, इनको क्या कहूँ? सर, मैं कह रहा हूँ ना, आप एक बार देख लें, डेफिनेटली उनके हार्ड ड्राइव में डेटा होगा। जी सर, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, आई एम ऑन इट, बस मैं आपको ईमेल कर रहा हूँ। ओके ओके ओके। तुमने भी तो अपना माजी मुट्ठी में जकड़ा हुआ है बेटा, कितनी बार कहा है कि जाने दो इन बातों को, जाने दो। अम्मी, मैं कोशिश कर रही हूँ ना, कर रही हूँ मैं कोशिश। देखो बेटा, कामिल बहुत अच्छा लड़का है और तुमसे कितना प्यार भी करता है। जानती हूँ मैं, तभी अपने आप से नफरत होने लगी है मुझे कि मैं कि प्यार को कबूल ही नहीं कर पा रही।
मैं जानता हूं जब से हमारी शादी हुई है हमारे बीच में कुछ कोई दीवार है। तुमने कभी साफ कभी तुमने साफ जवाब नहीं दिया। हमेशा मैं खुद अपने आप को यह समझाता आया हूं कि चलो आनिया को थोड़ा टाइम चाहिए एडजस्ट होने में, ठीक है फाइन। नहीं, कुछ और है ना। कामिल मेरा एक माजी है, किसी से मोहब्बत करती थी मैं और शादी किसी और से हो गई। बहुत दुख हुआ था मुझे, कि जब मैं आपसे मिली तो मुझे लगा कि मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, कि शायद मैं ये दुख को तस्लीम नहीं कर पाई। तुम जानते हो हमारी अरेंज मैरिज की, शुरू में अंदाजा था मुझे कि थोड़ा टाइम लगेगा हमें एक दूसरे को समझने के लिए, और वह कोशिश भी करता हूँ उसे समझाने की, उसे उसका स्पेस देने की। मुझे लगा बीच में कि शायद हमारे दरमियान जो दीवारें हैं वो गिर रही हैं, ये जो फासले हैं ये मिट रहे हैं, लेकिन नहीं। जब से लंदन से वापस आया वही शादी से पहले वाली आनियाँ लग रही है। पूछती रही हूं, अगर आनिया अब भी तुम्हारे दिल में है तो छोड़ दो मुझे। तुम बार बार यकीन दिलाते रहे हो कि नहीं अब मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम हो। आई लव यू फॉर बीइंग यू, यू दिस यू। कामिल, ये है मेरा पागलपन, ये है मेरी बेवकूफी, ये है मेरी बेवकूफी। आनिया, बादल सावन भी तुम्हारे हैं, रंग पतझड़ के सारे तुम्हारे हैं। जाने क्यों कब कैसे बने अजनबी ऐसे, जाने क्यों कब कैसे हुई बेरुखी ऐसे, क्यों जमी फिसले जाए।